नरसिंहपुर जिले के ग्राम पटना में मुक्ति धाम पर एक जिंदा इंसान का कब्जा। नरसिंहपुर जिले के ग्राम पटना में मुक्ति धाम पर एक जिंदा इंसान ने कब्जा कर अपना आशियाना बना रखा है, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी जानना जरूरी है, और ये कि इस बुजुर्ग को अभी तक छत नसीब नहीं हो सकी है, और उसके पीछे है उसकी लाचारी और भ्रष्ट तंत्र। नवनिर्मित मुक्ति धाम पर जहाँ गाँव के लोग अपने परिजनों की मौत होने पर उनकी अंतिम क्रियाकर्म के लिए यहाँ आते हैं, इस पर नवीन मुक्ति धाम पर बीते कुछ समय से गांव के ही एक बुजुर्ग रामेश्वर दास ने अपना आशियाना बना लिया है। अपने आवास न बन पाने के चलते इस बुजुर्ग ने अपना आवास इस शमशान को बना रखा है। यदि उसकी माने तो उसका कहना है कि सांसद से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के पास बात जा चुके थे, लेकिन उसे आवास नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जाकर आवास मंजूर हुआ है तो गांव के सचिव आवास के लिए उससे 10,000 रुपए मांग रहा है, जबकि मेरे पास 10 पैसे भी नहीं है। ऐसे में जब तक मेरा आवास नहीं बन जाता, मैं शमशान को खाली नहीं करूंगा। वही शमशान घाट पर बुजुर्ग के कब्जे के चलते गाँव के लोग परेशान है, क्योंकि उनको यहाँ गमी होने पर उन्हें दाह संस्कार के लिए अपने खेतों में या अन्यत्र जाना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि जिनके पास खुद की जमीन है वह अंतिम क्रिया कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वह परेशान हैं। यदि कुछ अनहोनी हो जाए तो वह कहां जाएंगे। पर गांव के लोग भी चाहते हैं कि रामेश्वर दास को न्याय मिलना चाहिए। इस हाड़ कपाती सर्दी में इस बुजुर्ग को न्याय मिलेगा, यह जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं पूरे मामले पर जिला कलेक्टर अब जांच की बात कर रहे हैं। करी है बूदा गादी करके मुड़ गया था कई लोग यहाँ से डेरा नहीं हटाते, शमशान पे डेरा रखे हैं परमेश्वर। अच्छा, और समय आता है तो अपनी अपनी जगह में कार्य कर लेते हैं। तो कहाँ आप जैसे आपके गांव में कोई खत्म हो जाता है तो कहाँ फिर ये जला रहा है? अपनी अपनी जगह में जलाते हैं। मतलब शमशान घाट बनने के बाद भी नहीं जला पा रहे? नहीं जला पा रहे, अभी उद्घाटन नहीं हुआ। तो ये क्यों डेरा डाले इसमें? इसका मकान नहीं बन पाया तो जो इसमें डेरा रखे हैं, बोलता है कि मेरा मकान बना दो तो मैं डेरा उठा लूंगा। अच्छा, तो क्या होना चाहिए इनके साथ में? इसका मकान बनना चाहिए। और जब ये आप लोग मतलब कर पाएंगे यहाँ? जब हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। भैया, ये समस्या की बात ये है कि यहाँ पे शमशान में परमेश्वर दास का डेरा है, तो यहाँ पे जो लोग खत्म होते हैं तो उनको जलाने के लिए जगह नहीं है, तो जिसके पास जगह है तो वो अपने अपनी जगह जलाते रहते हैं। तो शासन से कोई शिकायत वगैरह की है सरपंच वगैरह से? अभी तो कोई शिकायत नहीं की किसी। अच्छा, क्यों नहीं कर रहे? शिकायत होना चाहिए इसकी। कोई बोलते ही नहीं गांव का, तो हम लोग क्या बोलेंगे गांव के और लोगों को बोलना चाहिए, सियाने लोगों को। किसान पर डेरा रखा इसलिए रखा है, सांसद के पास गए, विधायक जी के पास मंगाए, मकान का नाम आया, पता लगो, जगह नापी, जगह बताई, इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। मकान आ गओ, सरपंच के पास मंगाए, सचिव के पास मंगाए, सचिव बोलो भाई मकान तो आ गया तुम्हारा, 10,000 रुपया भी मांगे, हमें रुपया बहने से निकाल रही हो, ये तिलका है, यहाँ का वहाँ करते रहे। हाँ। और जय स्थिति पर आ गए कि इन लोगों ने कछु नहीं सुनी, गांव के लायक नहीं है, जमीन जायदाद पे भी भैया लोगों को जेल भेजा दे। तो आपको क्या मकान नहीं मिल पाया अभी तक? ना मकान मिल पाया, ना जीने दे रहा है, ना खेती करने दे रहा है। और जिनके साथ में एक राव हेमंत सिंह और हैं सलैया, इन लोगों ने एक नर्मदा जी की मूर्ति तोड़ के और एक मुद्दा लेके और उस पर हंगामा करे हैं, जिसमें एक अंतिम मूर्ति आज बढ़ा गई श्याम पटेल, जिसमें जायदाद फैला के बर्बाद। अच्छा, ये बताइए कि आप जब यहाँ रह रहे हैं तो गांव के लोग जब यहाँ अपना मुर्दा जलाने आएंगे, शव जलाने, तो कहाँ जलाएंगे? पर मुर्दा अपने अपने घर पर जलाएं, शासन ने बिल्डिंग दी है उस लेंटर पर जलाएं। अच्छा, ये अपने जगह में जलाएं। तो आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे? ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमको जिंदा जलाएं। तो कब तक नहीं छोड़ेंगे आप? हम जब तक जिंदा हैं जब तक नहीं छोड़ेंगे। सारे आपके कार्ड यहाँ बने हुए हैं, चाहे वो इस शासन के सारे जितने भी कार्ड होते हैं सब बने हुए, फिर भी क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या वजह? मिल पा रहा ये तो अब पंचायत की और सरपंच लोगों की है, ये रुपया मांगने है, 10,000 रुपया की मांग करी सचिव साहब। नहीं है 10,000 आपके पास? हमारे पास में तो 10 पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप, कब हटेंगे आप? अब हम बन जाएगा तो छोड़ देंगे, और नहीं बनेगा तो है ही उसमें छाए बने बनाए। में यहाँ डर नहीं लगता आपको? तो डर क्या, भूत हम जिंदा ही भूत बना रहे, भूत आएंगे तो उन्हीं से बात करते हैं, बनाते खाते हैं और क्या। डबल ले लेना भाई, आ जाओ, बहुत जल्द। हाँ,
हाँ, मुक्ति धाम में एक व्यक्ति ने डेरा डाल कर रखा हुआ है, उसका नाम होने के बाद ही अपात्र उसको घोषित कर दिया गया, और वो कह रहा जब तक मेरा यहाँ मकान नहीं आएगा मेरे नाम से मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, तो लोगों को दिक्कत हो रही समुदाय करने में। हाँ, इसका हम परीक्षण करा लेंगे। पहले तो मुक्ति धाम में किसी ने इस तरह से कब्जा नहीं करना चाहिए, और दूसरा यदि वो पात्र है प्रधानमंत्री आवास योजना का उसको पात्रता का लाभ दिलाएंगे और मुक्ति धाम को भी कराएंगे।